तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास एक कमाल की क्रिसमस अपडेट आई है, जिसमें हमें क्रिसमस टाउन मैप देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे विंटर डेल के पास है क्रिसमस टाउन मैप, यानी कि क्रिसमस का शहर। तो देखते हैं, अरे ये तो एक्सक्लूसिव एरिया होने वाली है। तो इसमें लिखा हुआ है टू इंटर दिस एक्सक्लूसिव एरिया बाय अ टिकट, हमें एक टिकट खरीदना होगा। जैसे कि सिनेमा घर में जाने के लिए हमें एक टिकट खरीदना पड़ता है, तो इस मैप के अंदर भी जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। और इसके बिना, टिकट के बिना हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि चैप्टर वन पार्ट वन और मिस्ट्री डायनामोन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पंजे के निशान है। भाई ये कौन से डायनामोन होने वाले? ये तो काफी ज्यादा रेयर डायनामोन दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉसिल टाइप का है, पंजा टाइप का। तो ये कुछ प्राइमियल डायनामोन हो सकते हैं, यानी कि कुछ डायनासोर डायनामोन वगैरह। मिस्ट्री डायनामोन यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली इन दिस एरिया। तो चलिए इसे बाय करते हैं 600 कॉइन्स में। ओह नो, हमारे पास सिर्फ 666 कॉइन है। हम लोग भिखारी बन चुके हैं अगर देखा जाए तो। चलिए हम लोग बाय कर लेते हैं सबसे पहले इसे। ओके, तो हम लोग बाय कर लिए आखिर में। तो यहाँ पे आ चुकी है ये कौन है वाला, देखते हैं। मैंने इसका नाम भूल गया हुआ सर। ओके, तो इसका नाम नौरा होने वाला है। तो ये बोल रही कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलने आई हूँ क्रिसमस के दौरान। ओह वाह, ये काफ़ी मज़ेदार है। ओके, यहाँ इस शहर के लोग पूरे शहर को बहुत अच्छे से सजाने में लगे हुए हैं क्रिसमस के लिए, और मैं अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को बहुत दूर से ही देख पा रही हूँ। वाओ, ये अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को से मिलने आई हुई है, तो सोचा कि चलो बैटल भी कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग हैं डायनामोन्स किंग, तो हम लोग बैटल करने वाले हैं इससे। डबल बाइट, इरेजियन डबल बाइट का इस्तेमाल करो, बहुत अच्छे इरेजियन। इनके पास वुल्फ्रॉस्ट होने वाले हैं। किटी डॉग्स, दिखा दो अपना स्टैटिक शॉक का कमाल। अरे भाई, ये लोग एक अटैक में ही जा रहे हैं बेचारे। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलो, जाओ, हम लोग इसे बैटल क्यों कर रहे हो। ओके ओके, क्रिसमस टाउन काफी मजेदार टाउन है वैसे। और इसमें कौन सा रहस्यमय डायनामोन होने वाला है? क्या वो बर्फ के अंदर दबा हुआ हमें मिलेगा? हो सकता है। ओके, तो ये इसके ग्रैंडपा होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बूढ़ा, ये ग्रैंडपा, मैं आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई, नौरा बोल रही है। नौरा, तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो बेटी, ग्रैंडपा तुम्हें देख के बहुत खुश हुए। मैं बूढ़े की भी एक्टिंग अच्छा करता हूँ वैसे। ग्रेगर बोल रहे हैं, ग्रेगर बुढ़े का नाम है, इसके ग्रैंडपा का नाम है। मैं बुढ़ा कैसे बोल सकता हूँ, बताइए आप लोग। नौरा बोल रहे कि क्रिसमस की डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया आप लोगों ने। इस शहर के लोग क्रिसमस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए डेकोरेट कर रहे हैं। मैं ऐसा आशा कर रही कि मैं इसे ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती इसे स्टार्ट होने तक। हाँ, हम लोग भी स्टार्ट होने तक मतलब इसका इंतजार नहीं कर सकते हैं। क्रिसमस फेस्टिवल जल्दी से जल्दी चालू करना चाहिए। क्रिसमस टाउन वैसे काफ़ी मज़ेदार है। ये एक शहर है, बर्फीला शहर, जहाँ पे क्रिसमस मनाया जा रहा है बेसिकली, उसी को टाउन बना दिया गया है। ये लोग कर रहे हैं वैसा। तो इनके पास होने वाले हैं ग्रबल स्नो टाइप के। डक्सेडो होने वाले हैं। चलो 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 डक्सेडो, इलेक्ट्रिक पन से एक बार में जाओ तुम। जूपी पॉट होने वाले, बेचारी जूपी पॉट अकेली रह गई इसके, क्योंकि दो अलग अलग टाइप आ चुके हैं, जुबिनिक्स और जूबी फेरिक्स है, वो इसके फायर और वाटर है ना, और बेचारी ये बच गई। इसका क्या नाम होगा नहीं पता मुझे, जूबी लिफिक्स हो जाएगा आई गेस। ओके, तो ये भी जा चुके हैं, इसे सर में नहीं आता। ये बर्फीले जगह पे ग्रास टाइप डायनामोन को लेके आता है, बेचारी को ठंड भी लग रही होगी। ओके, तो आ चुकी है इसकी ग्रैंड माँ। ग्रैंडपा को तो हम लोगों ने डिफीट कर दिया, अब ग्रैंड माँ आ चुकी है इसकी, यानी दादी माँ। ओ, तो ये मार्था है बेसिकली। ओ नौरा, मेरे गले लग जाओ बेटी। ग्रैंड माँ, फाइनली मैं आपसे गले मिल सकती हूँ दोबारा, बहुत दिनों बाद मिली। मैं तुम्हारे लिए बहुत खास कुकीज़ बनाऊंगी और हर एक को कुकीज़ दूंगी। वाह वाह वाह, हमें भी कुकीज़ खाने को मिलेंगे इनकी ग्रैंड माँ के हाथ का। तुम्हारे क्रिसमस कुकीज़ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं ग्रैंड माँ। भाई, ये विंटर डेल्स वाली स्टोरी याद आ गई मुझे तो। हमें फ्री के कुकीज़ खाने को मिलेंगे इनके बहाने। चलिए चलिए, हमारे पास कोई डार्क टाइप मूव वैसे खोली नहीं है, क्रिटिकल हिट गई। इस शहर में तो भाई हम लोग गॉड की तरह हुए, क्योंकि हमारे पास सारे
अमेजिंग सारे मैक्स लेवल डायनामोस है, तो हम लोग सबसे ज्यादा ताकतवर है इस टाउन में, तो बस हम लोग घूमने आए हैं एक तरीके से अल्ट्रा गॉड बन के। तो इन सभी के फिलहाल तो पास पावर नहीं है हम लोगों को डिफीट करने के लिए, क्योंकि हम लोग एक तरीके से लेजेंडरी डायनामोन ट्रेनर हुए इस पूरे डायनामोस वर्ल्ड के, हमें कोई नहीं डिफीट कर सकता। तो इनके फ्लैमियन इन्होंने भेजा आखिर में, सोचा कि ये फ्लेम करके बच जाएंगे, लेकिन चलिए हम लोग इसे हॉन्ट एक बार और करने वाले हैं। ये रेजियन की पावर ये लोग नहीं जानते हैं, ये रेजियन एक अल्टीमेट बीस्ट है जो कि ड्रैगन से भी ज़्यादा, ड्रैगन डायनामोन से भी ज़्यादा ताकतवर है। ओके तो हम लोगों ने इनके ग्रैंड माँ को भी हरा दिया, कुकीज हमें नहीं मिला। ओ तो ये कौन होने वाले हैं, फ्रेडरिक। ओ तो ये इसकी पूरी खानदान, खानदान नहीं फैमिली, फैमिली बोलना सही होगा, ये इसकी पूरी फैमिली है एक तरीके से। हेलो बहन, मैं बहुत पहले ही पहुंच चुका हूँ, तुमसे भी पहले। हेलो बड़े भैया, आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो इस टाउन को सजाने के लिए। ओह मैं आइस स्केटिंग के लिए पहले ही से ही रास्ता बना चुका हूँ, फ्रेडरिक बोल रहा है। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे फ्री आइस स्केट्स भी मिल रहा है हर एक के लिए। अरे हम लोगों को भी स्केटिंग करने का मौका मिलेगा आई गेस से। स्केटिंग बेसिकली पैर में जो एक स्लीपर टाइप का आता है जो बहुत फ्लैट होता है, वो बर्फ के ऊपर मतलब फिसलता है गजब का, तो वो उससे स्केटिंग करने वाले हैं। बर्फीले जगह पे बहुत ज़्यादा मज़ा किया जाता है वैसे उससे, तो हम लोगों को भी शायद मौका मिलेगा। इसमें कैसे स्केट करेगा मुझे नहीं पता। तो ये फ्रेडरिक वो बना रहा था। तो ये पूरा एक चहल पहल वाला टाउन है जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। इसमें डेकोरेशन वगैरह भी है और मज़े के लिए इन्होंने बनाया है, स्केटिंग करने के लिए भी बना दिया गया है, जिसमें हम लोग स्केट भी करेंगे आई गेस से, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या तुमने मैक्सवेल जो कि हमारे मुखिया है उनसे बात कर लिया है? वो थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। ओह मैक्सवेल इस टाउन के मुखिया है, और यहाँ पे मुझे कप दिख रहा है, ये कॉफ़ी शॉप है क्या भाई? यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा ठंड है वैसे सच में, अभी ठंड की मौसम भी है। तो यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, तो यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी भी बाई करेंगे, और यहाँ पे कुछ सेंटा ने अपना क्रिसमस गिफ्ट वगैरह यहाँ पे छोड़ दिया है, तो यहाँ पे कुछ लेवल अप स्नैक्स वगैरह इसके अंदर हो सकते हैं, तो वो भी कभी लेंगे संता से मिलेंगे तो, इसमें संता भी आ सकते हैं हो सके तो। मैक्स बोल रहे हैं कि नौरा मैं इस शहर का मुखिया हूँ, तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यहाँ पे कुछ रहस्यमयी फुटप्रिंट्स है इस शहर में। अरे वो कहीं उस डायनामोन के फुटप्रिंट तो नहीं है? वो काफ़ी खतरनाक डायनामोन होने वाला है, या फिर वो कौन होने वाला है? ओह तो इसे लग रहा है कि, नौरा को लग रहा है कि वो कोई बच्चा होगा जो कि वो जंगली डायनामोन के फुटप्रिंट्स बना रहा है, जिससे कि वो पूरे शहर वालों को डरा सके। हाँ हो सकता है शायद, मे बी, बट वी नीड टू बी श्योर, हमें श्योर होना होगा कि ये सच में वो बच्चे ही है, या फिर कोई वो जंगली डायनामोन हो सकता है जो कि खुखार हो। क्या तुम उस फुटप्रिंट का पीछा कर सकते हो कि वो फुटप्रिंट कहाँ से आ रहे हैं? तो नौरा बोल रही कि हाँ मेयर, हम लोग फुटप्रिंट का जरूर मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। अरे हाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हो सके तो हमें कुछ अनोखा और खतरनाक डायनामोन देखने को मिल जाए। अरे कुछ भी हो सकता है यार, इस टाउन में वो रहस्यमयी डायनामोन आता हो हर क्रिसमस में, और यहाँ पे अलग अलग कुकीज को चुरा कर खा लेता हो, कुछ भी हो सकता है भाई, भाई मजा आने वाला है। वो प्यारा सा क्यूट सा डायनामोन भी हो सकता है मेरे हिसाब से, जो कि कुकीज चुराना पसंद करता हो क्रिसमस में आकर, तो देखेंगे हम लोग। वैसे प्यारा तो नहीं दिख रहा था, वो फुटप्रिंट काफ़ी डरावना दिख रहा था। तो उसका पीछा करेंगे हम लोग और देखेंगे कि वो भला कौन सा डायनामोन है, वो मतलब फुटप्रिंट्स का रहस्य क्या है भाई, हम सभी को भी तो जानना होगा ना। तो चलिए मेयर को हम लोगों ने डिफीट कर दिया, इनके मेयर से भी ज़्यादा ताकतवर हम लोग है भाई। मेयर हम ही लोग को बना दो भाई, हम लोग इतने ज़्यादा ताकतवर है, किसी भी हमला से हम लोग मतलब इसकी सुरक्षा करेंगे। ओह तो हमें ऐसा लग रहा है कि स्टोरी यही तक है अभी, इसका रहस्य काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये तो बादल ही बादल है भाई, इसे हटाओ, बादल को हटाओ भाई, कैसे करो कुछ भी करो, क्योंकि हमें वो डायनामोन को ढूंढना होगा, वो डायनामोन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है।
देखते हैं मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ तो इसमें भी प्रो मोड ऑन कर सकते हैं। प्रो मोड से हमें थोड़े से ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे और 55 लेवल के डायनामोन से बैटल करने का मौका मिलेगा। वैसे प्रो मोड से खेलने का फायदा कुछ हुआ नहीं। ये डायनामोन लेजेंड ओ हो तो ये लेजेंडरी डायनामोन होने वाला है। ये जो दो पंजों का निशान है ये कोई न्यू लेजेंडरी डायनामोन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो अगर ओल्ड होता तो वो डायरेक्ट शैडो दिखा देते, मुझे ऐसा लग रहा है। और सब मैप्स में देखते हैं क्या उसे शैडो बना दिया गया है सभी लेजेंडरी को। नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा। नहीं वो क्यों कोई न्यू डायनामोन होने वाला है तो 261 डायनामोन हो जाएगा अगर वो न्यू आया तो। वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। इसका फुटप्रिंट का हम लोग पीछा करेंगे और स्केटिंग करने का भी हम लोगों को मौका मिलेगा जो कि फ्रेडरिक बना रहा है। और यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है तो ये कुकीज़ वगैरह सब भी आगे हम लोगों को देखने का मौका मिलेगा। और ये हमें मुझे लेक की तरह दिख रहा है। ये हल्का सा जो आगे में ये वाला नहीं है हिस्सा वो लेक की तरह दिख रहा है जो कि जम चुका है बर्फ के मारे। काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है गाइस। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।